आप बिना पैसे या संपत्ति के घर से हजारों मील दूर फंसे हुए हैं। ऐसी परिस्थिति कई लोगों को निराश कर देगी और अपने भयानक भाग्य को कोसने लगेगी, लेकिन साइप्रस के जीनों के लिए ये उनके जीवन के काम और विरासत की नींव बन गया। एक बार के धनी व्यापारी ने 300 ईसा पूर्व के आसपास एथेंस में जहाज बर्बाद होने पर अपना सब कुछ खो दिया। करने के लिए और कुछ नहीं होने पर वो एक किताब की दुकान में चला गया, सुकरात के बारे में पढ़कर उत्सुक हो गया और शहर के प्रसिद्ध दार्शनिकों के साथ अध्ययन करने के लिए आगे बढ़ गया। जैसे ही जीनो ने अपने स्वयं के छात्रों को शिक्षित करना शुरू किया, उन्होंने स्टोइसिज्म नामक दर्शन की शुरुआत की, जिसकी सदाचार, सहिष्णुता और आत्मनियंत्रण की शिक्षाओं ने विचारकों और नेताओं की पीढ़ियों को प्रेरित किया। स्टोइसिज्म नाम स्टोए पोइकिले से आता है, जो प्रसिद्ध सार्वजनिक स्तंभावली थी, जहां जीनो और उनके शिष्य चर्चा के लिए एकत्र होते थे। आज हम स्टोइक शब्द का उपयोग उस व्यक्ति के लिए करते हैं जो दबाव में भी शांत रहता है और भावनात्मक चरमों से बचता है, लेकिन जबकि यह स्टोइसिज्म के महत्वपूर्ण पहलुओं को दर्शाता है, मूल दर्शन सिर्फ एक दृष्टिकोण से कहीं अधिक था। स्टोइक मानते थे कि हमारे चारों ओर की हर चीज कारण और प्रभाव के जाल के अनुसार चलती है, जिससे ब्रह्मांड की एक तर्कपूर्ण संरचना बनती है, जिसे वे लोगोस कहते थे। और जबकि हमें प्रभावित करने वाली घटनाओं पर हमारा हमेशा नियंत्रण नहीं हो सकता, हम चीजों को कैसे देखते हैं इस पर हमारा नियंत्रण हो सकता है। आदर्श समाज की कल्पना करने के बजाय स्टोइक चार मुख्य सदाचारों के माध्यम से आत्मसुधार करते हुए दुनिया का सामना करने का प्रयास करता है। व्यावहारिक ज्ञान, जटिल स्थितियों से तार्किक, सूचित और शांत तरीके से गुजरने की क्षमता, संयम, जीवन के सभी पहलुओं में आत्मनियंत्रण और संयम का व्यवहार, न्याय, भले ही किसी ने कुछ गलत किया हो तो भी उसे न्याय मिलना चाहिए, और साहस, न केवल असाधारण स्थितियों में बल्कि दैनिक चुनौतियों का सामना स्पष्टता और ईमानदारी से करना। जैसा कि सबसे प्रसिद्ध रोमन स्टोइक्स में से एक सेनेका ने लिखा है, कभी कभी जीना भी साहस का काम होता है। लेकिन स्टोइसिज्म निजी सुधार पर ध्यान देता है, यह आत्म केंद्रित दर्शन नहीं है। एक समय में जब रोमन कानून दासों को संपत्ति मानते थे, सेनेका ने उनके साथ मानवीय व्यवहार का आह्वान किया और जोर दिया कि हम सब समान मूलभूत मानवता को साझा करते हैं। न ही स्टोइसिज्म निष्क्रियता को प्रोत्साहन करता है, विचार यह है कि केवल वे लोग ही दूसरों में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं जिन्होंने अपने अंदर सद्गुण और आत्मनियंत्रण विकसित किया है। सबसे प्रसिद्ध स्टोइक लेखकों में से एक रोम के महानतम सम्राटों में से एक भी था। अपने 19 साल के शासनकाल के दौरान स्टोइसिज्म ने मार्कस ऑरेलियस को अपने कई बच्चों के नुकसान से निपटने के दौरान दो प्रमुख युद्धों के माध्यम से साम्राज्य का नेतृत्व करने का संकल्प दिया। सदियों बाद मार्कस के लेखों ने दक्षिण अफ्रीका में नस्लीय असमानता के लिए संघर्ष के दौरान 27 वर्षों के कारावास के समय नेल्सन मंडेला का मार्गदर्शन किया। रिहाई और विजय के बाद मंडेला ने शांति और समझौते पर जोर दिया, ये मानते हुए कि जबकि अतीत के अन्याय को बदला नहीं जा सकता, लोग वर्तमान में उनका सामना कर सकते हैं और एक बेहतर, अधिक न्यायपूर्ण भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। ग्रीस और रोम में कई शताब्दियों तक स्टोइसिज्म दर्शन शास्त्र का एक सक्रिय स्कूल था। एक औपचारिक संस्था के रूप में ये लुप्त हो गई, लेकिन इसका प्रभाव आज भी कायम है। थॉमस एक्वेनास जैसे ईसाई धर्मशास्त्रियों ने गुणों पर इसके फोकस की प्रशंसा की है और इसे अपनाया है, और स्टोइक एटरेक्सिया या मन की शांति और निर्वाण की बौद्ध अवधारणा के बीच समानताएं हैं। एक विशेष रूप से प्रभावशाली स्टोइक दार्शनिक एपिक्टीटस थे, जिन्होंने लिखा था कि पीड़ा हमारे जीवन में घटनाओं से नहीं बल्कि उनके बारे में हमारे निर्णयों से उत्पन्न होती है। ये आधुनिक मनोविज्ञान और स्व सहायता आंदोलन के साथ दृढ़ता से प्रतिध्वनित हुआ है। उदाहरण के लिए रैशनल इमोटिव बिहेवियरल थेरेपी लोगों के उन रवैयों को बदलने पर केंद्रित होती है जो वे अपने जीवन की स्थितियों के बारे में बनाते हैं। विक्टर फ्रैंकल की लोगोथेरेपी भी है। फ्रैंकल के कॉन्सेंट्रेशन कैंप के कैदी के रूप में समय से सूचित लोगोथेरेपी स्टोइक सिद्धांत पर आधारित है कि हम अपनी इच्छा शक्ति को सबसे बुरी स्थितियों में भी अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए प्रयोग कर सकते हैं।
अभी भी एक ऐसे दर्शन की खोज कर रहे हैं जो आपके साथ प्रतिध्वनित हो। इस वीडियो के साथ ताओवाद के प्राचीन चीनी दर्शन में गोता लगाएं और देखें कि क्या यिन और यांग की भावना आपको संतुलन खोजने में मदद कर सकती है।